नमस्कार। मोदी सरकार ने देश को महाबजट की सौगात दे दी है और इसी महाबजट के ऐलान के साथ जनता जो लगातार निगाहें जमाए बैठी थी कि किस तरह से देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली की पोटली में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो जनता के आम जनजीवन से सरोकार रखने वाली होंगी, लेकिन फिलहाल जो पिचारा खुला है बजट का उसमें कहा जा सकता है कि बहुत सारी सूझबूझ है, तमाम पहलुओं को छूने की कोशिशें जरूर की गई हैं, लेकिन कहीं जनता की जेब पर कोई भारी पर ना आए, जनता की जेब पर किसी भी तरह का और बोझ ना बढ़े, इस बात का भी पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। और सबसे बड़ी खबर जो बजट में निकल कर आई है कि आयकर स्लैब में यानी कि इनकम टैक्स स्लैब में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, हालांकि जीएसटी बिल की सुगबुगाहट जरूर संसद भवन परिसर में सुनाई दी। ऐसे में क्या मानना है, खासतौर पर जब भी बजट की बात आती है, रोटी कपड़ा और मकान, जी हाँ हर घर में इस बात पर चर्चा होती है और घर की महिला या कहा जाए गृहणियां होती हैं जो कि घर का बजट तय करती हैं। ऐसे में महिला वर्ग से पहली प्रतिक्रिया क्या निकल कर आ रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर की जानी मानी प्रोफेसर श्रीमती ऋषिना नाथु जी। रातु मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है डी लाइव न्यूज के इस खास फोरम पर। मैडम, क्या मानती हैं ये जो बजट का पिचारा खुला है इसमें क्या कुछ निकल कर आता है, महिलाएं अब इस बजट के ऐलान के बाद कैसे अपने घर का बजट जो है तैयार करने वाली हैं? स्लैब तो जो कि जो समझ में आ रहा है कि उसमें कोई चेंज ओवर नहीं किया गया है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैंने ये देखा है कि ब्याज के ऊपर 50,000 रुपए की ही सिर्फ छूट दी गई है। यूजुअली महिलाएं जो बचत करती है वो कोशिश करती हैं कि ऐसा कोई बचत हो जिसमें कि उसको ब्याज भी मिले, लेकिन सिर्फ 50,000 की छूट है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ी ज्यादा छूट मिली होती, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए की छूट मिली होती, क्योंकि महिलाएं जो है वो यूजुअली उनका जो थिंकिंग होता है वो कहीं किसी कॉर्पोरेट एरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करती, वो चाहती है कि कहीं ना कहीं उनका पैसा जो है या तो FDs के रूप में रखा जाए या किसी ऐसे रूप में रखा जाए। सेविंग्स पर बहुत ज्यादा फोकस सेविंग्स पर फोकस रहता है, और सेविंग्स में भी अगर मुझे ब्याज पे सिर्फ 50,000 की छूट मिल रही है तो वो बिल्कुल ना के बराबर है। फिर दूसरा ये कि जो महिलाएं चाहती हैं कि भाई जो एक इन्वेस्टमेंट है वो हम सोना खरीद कर हम कर सकते हैं, हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसके ऊपर हमें अच्छी छूट मिलनी चाहिए, पर वो कहीं दिखाई नहीं दी, तो वो मुझे लगा कि थोड़ा सा एक गृहिणी के लिए थोड़ी सोचने वाली बात होगी। सोने के और डायमंड के हीरे के जेवरात जो है वो महंगे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं से जुड़ा पहला ऐसा पहलू है जो कि बजट में निकल कर आया है। मेरा ये कहना है कि जो ज्वेलरी पार्ट है वो एक बहुत बड़ी ताकत होती है गृहणियों के लिए, क्योंकि गृहणी ये सोचती है चाहे वो छोटा सा क्यों ना हो वो कुछ ना कुछ अपना इन्वेस्टमेंट जो अपनी बचत करती है घर की उसमें से वो चाहती है आगे आने वाले अपने जीवन के लिए, फ्यूचर के लिए शी वॉन्ट्स की देयर शुड बी सम मनी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और डायमंड्स हो या फिर गोल्ड हो, कोई ज्वेलरी हो, सो दैट वो उसको वेयर भी कर सके, उस स्टेटस को एंजॉय भी कर सके और आगे आने वाली जनरेशन को भी वो वैसा ही सौंप सके। लेकिन यहाँ पर ये है कि उसके ऊपर जब चार्जेस बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा गृहणियों के लिए निराशाजनक माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ये महिलाओं की प्रतिक्रिया है, कहीं ना कहीं निराशा का माहौल है महिलाओं में, खासतौर पर नारी समाज में। आगे बढ़ते हैं और दर्शकों को एक बात बता दें, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात देश से साझा करते हैं तो वो तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करते हैं और वाकई में उनके दिल की बात जनता के दिल तक पहुंचे ऐसी कोशिशें भी की जाती हैं। और हाल ही में जब मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बजट एक तरह से उनके लिए परीक्षा है और इस परीक्षा की घड़ी में किस तरह से सरकार खड़ी है ये नजारा आज देखने को मिल रहा है, और पूरे देश में कहा जा सकता है जिस तरह से शेयर बाजार में गिरावट का माहौल है, सूचकांक जो है 600 अंक से ज्यादा नीचे गिर गया है, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि पूरी तरह से बाजार जो है इस बजट पर प्रभावित है और आने वाले दिनों में इसके किस तरह से साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं ये देखना भी बड़ा ही दिलचस्प और लाजमी होगा। लेकिन इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बढ़ोतरी नहीं करके वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बड़ी राहत जरूर एक बड़े वर्ग को यहाँ पर देने की कोशिशें की हैं। मैडम, आप क्या मानती हैं, प्रोफेसर भी हैं, शिक्षा जगत से भी आप आती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से आपका इंटरेक्शन होता है, बहुत सारे यंगस्टर से आपका इंटरेक्शन होता है, किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है और क्या लगता है वाकई में मोदी सरकार ने जो चुनावी जुमला जिसका इस्तेमाल किया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या आपको आभास होता है कि देश में अच्छे दिनों का की शुरुआत हो चुकी है? मैं इसमें जैसा कि हम प्रोफेसर्स करते हैं कि हम उसमें मार्किंग करते हैं तो मैं इसे 50-50 मार्किंग दूंगी। एक तरीके से उन्होंने कोशिश की है कि इंसान जो है वो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स स्लैब को वही मेंटेन करके उन्होंने कोशिश किया है कि जो लास्ट ईयर तक जो सिचुएशन थी उसी को आगे कंटिन्यू करके 5 लाख के ऊपर उन्होंने कहा है कि 3,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी जो कि जीरे के बराबर है, लेकिन कोशिश की है कि हाँ भाई ये 3,000 रुपए की और एक आय में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। आप
बात यह है कि ये जो आय होने वाली है छात्रों के बीच में भी, उन्होंने चाहा था कि अच्छे दिन आएंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे महंगाई जो है वो कहीं कम होने के आसार नजर आते हैं। आपने एसयूवी कार्स, नॉर्मल कार्स पे भी आपने इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया है, तो अब आप टैक्स लगा देंगे इतना ज्यादा, तो फिर नॉर्मल व्यक्ति जो है वो हर चीज से घबराने लगेगा। और महंगाई जब आपके सिर पर खड़ी हो जाती है ना, तो आदमी घबराने लगता है। कहीं ये जरूर है कि हम जीएसटी बिल की बात कर रहे हैं, कहीं थोड़ी सुगबुगाहट है, वो चाहते हैं कि इकोनॉमिकली देश जो है वो एक सेटलमेंट एरिया के ऊपर आए। इकोनॉमिकली क्या है, थोड़ा सा सेटल रहे। सेटल रहने के साथ साथ जैसा कि हमें भी, हम जैसी चर्चा कर रहे थे कि हमें भी नॉर्मल व्यक्ति को भी आज कहीं ना कहीं इनकम टैक्स रेगुलरली पे करना है, इनकम टैक्स पे करके और अपने आप को अपडेट करना है। वैसा ही सरकार भी चाहती है। उन्होंने आय में भी उतनी छूट नहीं ली, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि 3 लाख 5 लाख तक का जो स्लैब है वो स्लैब बना रहे। लेकिन प्रॉब्लम कॉमन मैन के लिए अगर एक चीज भी महंगी है तो वो धीरे 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 इट अफेक्ट्स टू द होल साइकिल। और वो पूरा साइकिल, फिर चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो उसके लिए दाल रोटी हो, चाहे फिर उसके लिए गाड़ियां हो, चाहे उसके लिए व्हीकल्स हो, फिर या फिर उसके लिए कहीं पर भी उसका आना जाना, घूमना फिरना हो, तो सब चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मन की बात जरूर है, उन्होंने परीक्षा जरूर दी है, पर परीक्षा में अभी 80% मार्क्स आने के चांसेस थोड़े कम है, डिस्टिंक्शन नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार डिस्टिंक्शन वाली स्थिति में जरूर यहां पर नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र के जानकारों की अगर राय माने तो जो पहली प्रतिक्रिया अर्थ जगत से निकल कर आती है वो ये आती है कि जब जब देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात होती है तो अतिरिक्त कर लगाकर एक ऐसा हथियार होता है जिसके जरिए अर्थशास्त्री जो है देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं संतुलित करने दिशा में कदम बढ़ाते हैं। और कुछ ऐसा ही सूझबूझ भरा परिचय दिया है देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। और खासतौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह परीक्षा की घड़ी जरूर जो है एक चुनौती उनके सामने है, लेकिन वो देश को आगे किस दिशा में ले जाएंगे ये देखना भी बड़ा ही दिलचस्प और लाजमी होगा। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं यूं तो निकल कर आ रही है और बजट को लेकर खासतौर पर औद्योगिक जगत जो है बहुत सारी उम्मीदें यहां पर लगाए बैठा था देश की मोदी सरकार से, और अच्छे दिनों का आभास क्या वाकई में उद्योग जगत को भी हुआ है इस पर बात करते हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहां पर डीलाइव न्यूज के कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे, जिनके साथ मौजूद हैं अलग अलग वर्गों से जुड़े तमाम विषय विशेषज्ञ, औद्योगिक घरानों से जुड़े लोग और उद्योगपति। वो क्या मानते हैं और उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, क्या बजट के पिचारे में बहुत कुछ यहां पर देने की कोशिशें की गई हैं मोदी सरकार द्वारा या लेने की कोशिशों का प्रतिशत जो है बेहद ज्यादा है। पीयूष, क्या है पहला आप प्रतिक्रिया यहां पर उद्योग जगत से निकल कर आ रही है और किस तरह से राय बन रही है? अब देश में जो है यहां पर वित्त मंत्री जेटली की पोर्टली खुल चुकी है और किस तरह से इस पोर्टली खुलने के बाद जनता और उद्योगपति कौन सी सरकार की पोल यहां पर खोलते नजर आ रहे हैं? मोदी सरकार ने अपने बजट का पिटारा खोल दिया है और देश भर की नजर कहीं ना कहीं इस पिटारे पर लगी हुई थी। और क्या रहा वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस पिटारे में, सीधे तौर पर हम एक्सपर्ट्स की राय लेंगे और जानेंगे किस तरह से इस बजट में मोदी सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है और जो उम्मीदें जताई जा रही थी उस पर यह वित्त मंत्री अरुण जेटली का बजट कितना खरा उतरा है और क्या वाकई में इस बजट से जनता खुश है और आम आदमी के नजरिए के साथ साथ में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, उन लोगों की भी राय जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मोहन गर्ग जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, रियल एस्टेट बाजार की बात की जाए, किस तरह का जो है वो वातावरण फिलहाल जो है वो भारत में दिखाई देता है और इस बजट के बाद में आने वाले दिनों में किस तरह से बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, पुराना एक्सपीरियंस तो थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन आसान भी थे कि हम शायद इस बजट से कुछ खुश हो सके और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों का कुछ लाभ जो है रियल इस्टेट को मिल सके, क्योंकि आज रियल इस्टेट सबसे ज़्यादा उभर कर मार्केट में है। बिजनेस के साथ में साइड बिजनेस कह लें, बहुत सारी आवश्यकताएं समझ लें, बैंक के लोन समझ लें, हैं उन सारी स्थितियों में और जिस प्रकार की सिटी और टाउन बनाने जा रहे हैं, जिस प्रकार की स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, उसमें हम ये समझ सकते हैं कि इससे हम बहुत कुछ आसान्वित हो सकते हैं। जिस तरह का अगर मार्केट की बात की जाए, रियल एस्टेट कारोबार पिछले कई सालों से हम लोग देखें डावाडोल स्थिति है, ना तो मार्केट में उठा आ रहा है। आज की बात करें तो बजट शुरू हुआ और वैसे ही जो है वो सेंसेक्स नीचे गिर के आता है, मार्केट नीचे खुलता है। आपको क्या लगता है, क्या क्या सरकार किस पर फोकस कर रही है? इसका कारण एक और है कि मध्य प्रदेश शासन के अंदर जो टैक्सेशन की स्थिति और रजिस्ट्रेशन की स्थिति अदर स्टेट्स के मुकाबले ज़्यादा है, इससे यहाँ लोग फ्लेजिबेट नहीं हो पाते हैं। अगर ये टैक्स की स्थिति सही हो तो हो सकता है। अभी जैसे अप्रैल से 8.5% ड्यूटी बढ़ाने की बात हुई है, मध्य प्रदेश शासन ने प्रलोभन देकर
5.5% को उठाकर धीरे धीरे 8.5% कर दिया। ये सबसे बड़ा ड्रॉपबैक हमारी रियल इस्टेट का है, इससे निश्चित प्राइजेस सूट अप नहीं होगी। जो स्मार्ट सिटी परियोजना की जो एक जो यहाँ पर सपना संजोया गया है कि मोदी सरकार का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको लेकर, जी यदि स्मार्ट सिटी की बात करें तो यह केवल राजनीति के दौर पर सही है। अभी स्मार्ट सिटी इंदौर को बनाने में समय लगेगा, यह केवल कागजों पर और पेपरों की लाइन में सुर्खियों से स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी। आपको क्या लगता है सरकार कितना फोकस कर रही है, जिस तरह से तमाम जो अर्थव्यवस्था है वो डावाडोल है, हमारे की इकोनॉमी अभी बहुत ज्यादा हालत खराब है, ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे विश्व की, उसको लेकर क्या लगता है? लेकिन पूरे विश्व के साथ यदि इंडिया को देखें तो हमारे की राजनीति के साथ इकोनॉमिक थोड़ी अच्छी है, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारी नीतियों से, हमारी ईमानदारी से और हमारे कार्य करने की शैली से। लेकिन रियल इस्टेट को यदि हम जोड़ें तो रियल इस्टेट में भी ब्लूम बिल्कुल नहीं है आने वाले एक वर्ष तक। जी हाँ, सीधे तौर पर टैक्सेशन की बात की जाए जिस पर पूरे देश भर की नज़र गड़ी हुई थी, किस तरह से जो है वो इस चीज़ को लेकर ना सिर्फ देश भर के जो लोग हैं उनको और व्यापारिक वर्ग उसको लेकर किस तरह की जो है वो चीज़ें खास करके इस बजट में समाहित की गई है? हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट है परेश जी। परेश जी, किस तरह का बजट आप देखते हैं और खास करके पिछली सरकार के मुकाबले क्या बजट में बदलाव है, टैक्सेशन जो है उसको लेकर कितनी जो आपको बदलाव यहाँ पर देखने को मिलता है? अभी टैक्सेशन में तो कोई विशेष बदलाव अभी तक तो आया नहीं है, इनकम टैक्स की स्लेब में भी कोई बदलाव नहीं किया है, HRA में जरूर स्लाइटली थोड़ा सा कुछ बढ़ाया है, 24,000 से 60,000 किया मिनिमम, तो उससे जो स्मॉल टैक्स पेयर है उनको कोई विशेष फायदा नहीं होगा अभी तक जो है। बजट को लेकर ओवरऑल क्या स्थिति देखते हैं आप, मोटा मोटा तौर पर अगर कहा जाए तो किस तरह से क्या उम्मीदों पर खरा उतरा है, खासकर टैक्स को लेकर जो कवायदे और हलचलें तेज थी उन पर कितना जो है वो यहाँ पर फोकस करने में सरकार कामयाब हुई है? टैक्स में तो वैसा कुछ स्पेसिफिक नहीं आया अभी तक, पर जहाँ तक गवर्नमेंट का है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिकली हाईवेज और पोर्ट और रूरल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेसिफिक बहुत अमाउंट स्पेंड कर रही है, तो उससे कुछ जरूर बूस्ट आना चाहिए इकोनॉमी में। व्यापार जगत में क्या माहौल देखते हैं आप, किस तरह से इसका असर आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से व्यापारियों में खासकर इस पूरे बजट को लेकर ज़्यादा हलचले थी, ऐसे में क्या लगता है आपको कि कितना बदलाव आने वाले दिनों में संभावित है इससे? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक बदलाव नहीं, सेक्टर वाइज कुछ लोग पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ सेक्टर निगेटिव हो सकते हैं, पर ओवरऑल सो है। तो कुल मिलाकर ये बजट जो है वो मिले जुली इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिली। हमारे साथ उद्योगपति जो है वो संजय जैन, उनसे बात करें हम सीधे तौर पर। खासकर मोदी सरकार ने 2-3 सेक्टर, युवाओं को, किसानों को और खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए खासकर जोर दिया है, आपके नज़रिए से ओवरऑल क्या देखते हैं और किस तरह की स्थिति और इसके जो बजट है उसके बाद क्या बदलाव आएगा? देखिए, बजट में इस बार उनके पास बहुत पैसा अवेलेबल है और वो पैसे का उपयोग वो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो योजनाएं अटकी हुई थी उनको कंप्लीट करने में कर रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया कदम है, जिससे कि जितने अटके हुए रोड प्रोजेक्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, वो सब पूरे होंगे, तो बाज़ार में जिसके कारण जो इन्वेस्टमेंट आएगा और आम आदमी के पास रोज़गार और पैसा खर्चा करने की जो ताकत आएगी, उससे डेफिनेटली ये बहुत आगे बढ़ेगा। और इसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि आज उन्होंने पैसा दिया और कल ये बाज़ार में आ गया, क्योंकि ये चैनलाइज होके और प्रॉपरली आता है, तो थोड़ा समय दीजिए। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आना चाहिए। बाजार में मंदी का माहौल लगातार बना हुआ है, निवेशक ना निवेश कर रहे हैं और व्यापारिक वर्गों में भी कहीं ना कहीं मायूसी छाई हुई है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह का बजट यहाँ पर सरकार ने पेश किया है, वित्त मंत्री ने जो उसके अंदर पहलू जोड़े हैं, उनका कोई असर और उससे कोई बाजार में जो है वो यहाँ पर उठाव आने की संभावना? सर, ये थोड़ा सा आगे जो लोग सोचेंगे, जिन्हें आगे भविष्य देखना है कि भाई ये इन सब चीज़ों का इफेक्ट थोड़ा आगे आएगा, और डेफिनेटली ये सारे जितने भी, देखिए स्टील सेक्टर बढ़ेगा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, रोड में करेंगे, ये सब आगे जाके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, तो डेफिनेटली आपका मार्केट भी इम्प्रूव होगा। थोड़ा सा विजन आगे का देखने की जरूरत है और कुछ नहीं है। जी हाँ, सीधे तौर पर मोहन जी आपसे एक और सवाल था, बहुत अहम सवाल है, तो विजन 2020 यानी 2022 तक को लेकर जो है सरकार ने कई तरह की रणनीतियां तैयार की है, खासकर रोजगार की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कितना है विजन कामयाब होगा और क्या वाकई में ये जो लंबे दौर की योजना है सफल होंगी? निश्चित तौर से, यदि विजन को देखें 2022 को और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें और जिस प्रकार की सुपर सिटी और सुपर कॉरिडोर वगैरह बनाए जा रहे हैं उसके अंदर यदि आम जनता तक वो चीज़ पहुँचती है तो डेफिनेटली रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, सिटी सुंदर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बनेंगे, बिल्डिंग ज़्यादा आएंगी, मार्केट
में आदमी इंडिपेंडेंट होगा अपनी हाउसिंग के अंदर, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा लुक है। परेश जी, एक लाइन में बजट को क्या कहेंगे आप? ओवरऑल मोदी सरकार कितनी पास कितनी फेल बजट में, एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? पास तो है जी, पास तो है, पर थोड़ा ये है कि टाइम लग सकता है 2-3 साल का, क्योंकि जैसा जैन साहब बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डाला है तो उसमें मार्केट में आने में टाइम लगता है उसको, पर अगर ठीक तरीके से गवर्नमेंट ने खर्चा किया तो फिर ज़रूर एक पॉजिटिव इम्पेक्ट आएगा। संजय जी, आपसे पूछना चाहेंगे, मोदी सरकार बजट में कितनी पास कितनी फेल, कुल मिलाकर ओवरऑल क्या कहता है वित्त मंत्री का ये पिटारा? देखिए, बहुत अच्छी अप्रोच है, बहुत अच्छा उन्होंने इसको किया है, सिर्फ इतना है कि जो किया है वो आम जनता तक पहुंचना चाहिए। इनकी मतलब सोच बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, बस आम आदमी तक उसका फल पहुंचना चाहिए। और तो कुल मिलाकर ये मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है, और साफ तौर पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है, व्यापारिक वर्ग का कहना है, टैक्सेशन जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका कहना है, और रियल इस्टेट जो कारोबारी है उनका भी सीधे तौर पर कहना है कि सरकार का विजन बहुत स्पष्ट है, लेकिन थोड़ा इंतजार यहाँ पर करना होगा, और आने वाले दिनों में जो है वो मोदी सरकार कहीं ना कहीं सभी उम्मीदों पर यहाँ पर खरा जरूर उतरेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देखा अलग अलग जगत से जुड़े तमाम जो लोग हैं वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सरकार के सामने उम्मीदों का ग्राफ बहुत बड़ा है, उम्मीदें यहाँ पर सरकार से बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसमें लगता है बजट में चीनी रह गई थोड़ी कम कम। हमारे साथ लगातार बनी हुई है प्रोफेसर ऋषिना नाथू जी। मैडम, आप क्या मानती हैं, जिस तरह से अब कारें भी महंगी हो गई हैं, महिलाओं के पसंदीदा जो ज्वेलरी कहा जाए सोने चांदी के जेवरात हैं उन पर अतिरिक्त कर होगा, एक गृहिणी किस तरह से बजट अपने घर का तैयार करती हैं, और महीने के बजट में आपको क्या लगता है किस तरह से मोदी सरकार ने एक तड़का लगा दिया है इसके साथ साथ? मुझे लग रहा है कि इस साल गृहिणियों को अपने बजट में जो एक्स्ट्रा हमने कुछ खर्चे सोच रखे थे उनको सबको कट डाउन करना पड़ेगा। इट शुड बी स्लैश डाउन, बिकॉज हुआ ये है कि हमारी एक चीज, अगर हम सिर्फ गहनों की बात नहीं करें, अगर गहना बढ़ता है तो सोने का भाव भी जो है उसके हिसाब से हम सोचते हैं, जब कम होगा तब थोड़ा लेंगे, क्योंकि हम महिलाएं जो हैं वो हमारे बजट के अंतर्गत जो बचत होती है उस बचत में से इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हमें बजटिंग ऐसा करना पड़ेगा जिसमें बजट ज्यादा हो सके, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा है कि इस महंगाई के दौर में अगर मैं सोच लूं कि एक मेरा बजट का एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए मैं कुछ प्लानिंग करती हूं कि एक परिवार में 4 लोग रहते हैं तो मुझे पर पर्सन जो खर्चा है, अगर मैं मान के चलूं कि 5,000 रुपए का पर पर्सन खर्चा है, ये मैं मिनिमम मान के चल रही हूं, अगर मैं ये मान के चलती हूं तो 20,000 रुपीज मुझे 4 लोगों का खर्चा मुझे चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा में ही यूजुअली कंफर्ट लाइफ जो है वो चलती है, और उस कंफर्ट लाइफ को डिस्कम्फर्ट में मुझे या तो उसी कंफर्ट लाइफ की खींचतान में मुझे जीना पड़ेगा और साथ ही साथ डिस्कम्फर्ट्स जो हैं उनसे भी थोड़ा सा सामना करना मतलब पड़ेगा। ये कहा जा सकता है कि संघर्ष पहले भी था और संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। आज भी बिल्कुल, मैं बहुत उम्मीद से बैठी थी कि महिलाओं के लिए स्पेशली कुछ ऐसा होगा कि महिलाएं जो है, ये जरूर उन्होंने कहा है कि अगर आप पहली बार घर खरीदते हैं तो आपको उसमें राहत मिलेगी, लेकिन महिलाओं के लिए अलग से, क्योंकि मैं मोदी जी को इतना वो चाहती थी कि कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर, क्योंकि वो जैसे बेटियों को लेकर काम कर रहे हैं वैसे ही महिलाओं को लेकर संवेदनशील, एक संवेदनशील है और एक उनके मन में है कि इस देश की महिलाएं भी उस परचम पर जाए, परचम लहराए, तो मुझे लगता है कि कॉमन वुमन जो है वो कहीं ना कहीं आज इस बजट से वो उसी स्थिति में है, कुछ प्लस नहीं हुआ है, बल्कि अब उसे अपने बजट को रीप्लान करना पड़ेगा। और बिकॉज अब यूजुअली क्या है कि हम आज की इंडियन वुमन जो है वो कहीं ना कहीं कार यूज कर ही रही है, चाहे वो कारपूल हो या कुछ भी हो, वो व्हीकल्स यूज कर ही रही है, तो अगर व्हीकल्स के ऊपर इतना चार्ज बढ़ जाएगा, अगर वो महंगी हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं आदमी लेने के पहले सोचेगा कि अब थोड़ा सा रुकना होगा और थोड़ा सा फिर से देखना होगा कि कैसे हम अपने बजट को मैनेज करें और हम अपने लेवल की कार्स लें। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट SUV, लेकिन SUV के अलावा भी हमने चीजों को महंगा कर दिया है। बिल्कुल ठीक बात है, कहीं ना कहीं महंगाई का तड़का है, और मोदी सरकार के इस महाबजट के प्रचारे में बहुत सारी उम्मीदें जो है पीछे छूटती नजर आ रही है। जनता की प्रतिक्रिया यहाँ पर जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये संकेत दिए थे कि जेटली जी का जो बजट होगा वो जनता का बजट होगा,
होगा, जनमत के साथ चलने वाला बजट होगा। ऐसे में जनता क्या सोचती है, जनता का क्या मानना है? डीलाइन न्यूज की टीम ने अलग अलग वर्गों से आने वाले लोगों से बात की और उनसे पूछा कि मोदी सरकार के इस महा बजट को लेकर उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। तो यहां पर जरा सुन लेते हैं कि जनता क्या मानती है इस बजट के पिटारे में और खासतौर पर जेटली की पोटली में कितना यहां पर निकला है दम और कैसी निकली है हवा। यहां पर जानेंगे क्या है जनता की पहली प्रतिक्रिया। दूसरे किसान, इनके लिए ज्यादा जरूरत है ज्यादा से ज्यादा पैसा सब्सिडीज वगैरह देने की। आपने एक चीज देखी होगी, बच्चे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं IITs हो चाहे NITs हो चाहे हमारे प्राइवेट कॉलेज क्यों ना, प्राइवेट कॉलेज भर भर के उनका पैसा ले रहे हैं। आप बजट ऐसा दो कि जहाँ पे बच्चों को यहाँ इन सब जगहों पे ज्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े और आराम से कॉलेज में एडमिशन मिल सके। और दूसरा किसानों को, भाई देश का एक्चुअल भविष्य किसान ही है। आप सिर्फ आईटी सेक्टर देख रहे हो, नहीं आप एग्रीकल्चर को भी देखो, कम से कम डबल कर दो उसकी सब्सिडी, आप हटाओ मत उसकी सब्सिडी, ये बहुत जरूरी है हमारे किसानों के लिए। और अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में सूखा प्रभावित क्षेत्र है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे यहाँ सब्सिडी देने की। विकास को बढ़ेंगे धीरे धीरे, बाकी अच्छा आएगा कुल मिला के, जो भी अच्छा हो रहा है ना, अच्छा बजट है ठीक है आम शहरी के लिए। और पूरा जो बजट आया है किसानों के हित में आया है, विकास को गति देगा ये। इसके साथ ही जो काम रुके हुए हैं उनके लिए नए मत भी दिए हैं। प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना जो गवर्नमेंट की थी काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ चल रही है, उसको भी नई दिशा मिलेगी। देखिए अगर आदमी कोई 24 घंटे काम कर रहा है तो कुछ अच्छा ही होगा, सही बात है। और जो बाजार और मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं आप, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, वो नहीं होना चाहिए। काम करेंगे तो फल मिलेगा, ऐसा मेरा सोचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने जनता की प्रतिक्रिया यहाँ पर सुन ली और जाते जाते हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं प्रोफेसर ऋषिना नाथू जी। मैडम आप क्या मानती हैं, अब किस तरह से आप गृहणियों को, महिला वर्ग को, जनता को, दर्शकों को ये सलाह देंगी कि वो मोदी सरकार के इस महा बजट के बाद अब कैसे अपने घर का बजट प्लान करें और आने वाले नए वित्तीय साल की अगर बात करें तो देश जब एक और स्मार्ट सिटी की बात कर रहा है, मेक इन इंडिया की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, क्लीन इंडिया की बात हो रही है, तो ऐसे में टैक्सेशन से कैसे वो बचे और कैसे अपने घर का बजट यहाँ पर वो प्लान करे। एक और चीज पहले ऐड करना चाहूंगी, मैं एजुकेशन की फील्ड में मैं बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे यूथ के लिए जो जेटली जी हैं वो आज के यूथ के लिए, क्योंकि यूथ पढ़ना चाहता है, यूथ जो है वो आज आप देखिए कि हर बड़े बड़े शहरों के अंदर आज एजुकेशनल हब्स बन गए हैं, तो यूथ के लिए कुछ लोन्स की सुविधाएं, उनके लिए रोजगार की सुविधाएं कुछ होंगी, लेकिन मुझे वहां पर भी उस सेक्टर में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। तो मैं चाहती हूं कि उसमें भी कुछ होना चाहिए था जिससे कि मेरा यूथ जो है वो सिर्फ पैसे के कारण पढ़ना छोड़ दे या रोजगार नहीं मिलने के हालात में वो जो है कहीं डिप्रेशन में जाए और एक बेरोजगारी के आलम को झेले, वो मैं नहीं चाहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जैम का जो नारा दिया था, जनधन आधार और मेक इन इंडिया, सो आई वाज थिंकिंग कि इन दिस मेक इन इंडिया दे ही इज गोइंग टू कम अप, वो आने वाले हैं कुछ ऐसी नई चीजें लेकर। क्या होता है कई बार हमें अपने घर में भी थोड़ा सा अनुशासित होना पड़ता है, तो अगर देश के लिए अनुशासित होकर अगर हमारा GDP बड़ा होता तो मुझे अच्छा लगता कि चलिए हमने कम से कम कोई ग्रोथ तो की है, लेकिन हम वहीं पर हैं, वी आर ऑन दैट स्टैग्नेंट स्टेट। और चूंकि अभी जो हमने बजट देखा है उसमें मुझे लगता है कि जो हमारी गृहणियाँ हैं, क्योंकि घर ही हमारे समाज का सबसे पहला, सबसे छोटा और सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है, तो मुझे लगता है कि गृहणियों को अभी थोड़ी सी बचत करनी और होगी। उसके अलावा खर्च भी स्मार्ट खर्च करना होगा। सी दे हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन अर्निंग एंड स्मार्ट इन स्पेंडिंग, क्योंकि अगर वो स्मार्ट नहीं रहेंगे तो वो ऐसी चीजों पर स्पेंड कर देंगे जिससे उनके बचत के ऊपर इफेक्ट होगा। तो आने वाले कल के लिए इस बजट को देखते हुए कहीं ना कहीं अपने आप पर कुछ अंकुश लगाने होंगे, बचत करनी होगी और बचत करने के अलावा स्मार्ट स्पेंडिंग करना होगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि स्मार्ट इंडिया में स्मार्ट सरकार ने स्मार्ट बजट यहां पर पेश करने की कोशिशें की हैं और यहां पर जनता को भी उन्होंने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि अब वो किस तरह से आने वाले नए साल के लिए, नए वित्तीय साल में जो है अपने घर का बजट यहां पर तैयार करें, क्योंकि सरकार के सामने चुनौतियां बेहद ही ज्यादा है। जी हाँ, जब स्मार्ट सिटी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने की बारी आएगी तो सरकार को बड़ी राशि खर्च करना होगी और ऐसे में
टैक्स ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके जरिए सरकार जो है अपनी वित्तीय हालात में न केवल सुधार ला पाएगी बल्कि सही मायनों में विकास की परिभाषा को भी यहाँ पर परिभाषित किया जा सकेगा। बहरहाल जेटली की पोटली में बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे रंग हैं, जनता से जुड़े, जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों की बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि किस तरह से देश के आम बजट में बहुत सारी खास बातें भी छुपी हैं। आप कहीं मत जाइएगा, डी लाइव न्यूज पर देश में मोदी सरकार के इस महाबजट को लेकर हमारी खास पेशकश लगातार जारी रहेगी। फिलहाल बने रहिए डी लाइव न्यूज पर। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।